हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नागरिकता संशोधन विधेयक एक बड़ी चर्चा रही, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। जहां एक ओर लगातार इस विधेयक का के विरोध में भी लोग दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं समर्थन में भी लोग दिखाई दिए। संसद में पास हो चुका है, बहुमत प्राप्त हो चुका है और ये विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार AIIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। इस दौरान भी विधेयक को आपने देखा कि बिल की कॉपी को उन्होंने फाड़ करके भी फेंक दिया था। लेकिन अब विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने फिर एक बयान दिया है और यह कहा है कि देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है इस विधेयक के जरिए। यह विधेयक जिन कारणों को लेकर के पास हुआ है और जो इसके लिए तथ्य दिए गए हैं, वह देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों एक समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्ना की भी मिसाल दी गई कई बार इस विधेयक को लेकर कई नेताओं द्वारा। यहीं पर हम देखेंगे कि अमित शाह ने यह कहा, हर बार लगातार देखने को मिला, अमित शाह के द्वारा सुनने को मिला कि यह विधेयक हिंदुओं की रक्षा करेगा। लेकिन यह भारतीय हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, भारतीय बौद्धों की बात नहीं हो रही है, न भारतीय पारसियों की बात हो रही है। यह बात हो रही है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की, शायद वह किन्हीं कारणों से भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए हैं। सभी लोग नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं। इनके भी कारण जो होंगे, मैं अगले कार्यक्रम में हम इन पर भी चर्चा करेंगे, वह क्यों आए हैं और क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन वह लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। इसका शायद विरोध ना होता, लेकिन लगातार जिस तरह अमित शाह, चाहे वह अपनी रैलियों में हों, सभाओं में हों या फिर संसद के अंदर हों, उन्होंने यही कहा कि इससे हिंदुओं के को बल मिलेगा और रक्षा उनकी की जाएगी। बाहर जो वह प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो यह एक धार्मिक राजनीति की शुरुआत हो रही है। जिस तरह हिंदू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह बौद्धों का प्रयोग किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उन राष्ट्रों में जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पर नागरिकता देने के बाद क्या ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह लगातार हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जाता रहा है, इस विधेयक के पारित होने के बाद शायद उन्हें फिर निशाना बनाया जाएगा अपनी बातों द्वारा, या फिर जिस तरह लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रही हैं उसके संबंध में भी। हम देखेंगे कि हेमंत विश्व शर्मा, जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह बिल हिंदुओं की रक्षा करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और मुस्लिमों को विदेशी ट्रिब्यूनल जाना होगा। हम देखेंगे कि लगातार इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं विपक्ष के नेता। कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध करती रही, असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा इसमें साफ हो चुकी है? जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, वह बातें कहीं खो गई। 2019 के बाद भी सबके विश्वास की बात कही गई। यह बात इसलिए विश्वास की सामने लाई गई कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि 2014 से 19 के दौरान जिस तरह लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, तो उसके उस पर एक मरहम लगाने के लिए सबका विश्वास की बात कही गई। अब इस बिल के बाद भारत में और क्या बदलाव आने वाले हैं, किस तरह धार्मिक राजनीति की करवट ले लेगा भारत, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी क्या पलटवार करेगी, यह देखना बाकी है। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत।